बास्केट है। सक्सेस होएंगे बेटो, उधर नीचे जाने वाले हैं अब। तो गाइस बहुत अच्छा लगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ब्रेक बॉयस में स्वागत करते हैं आप सभी को। तो गाइस, मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि इतने दिनों से क्यों ब्लॉग नहीं बना रहे, मतलब कि फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं, मतलब इतने दिनों से क्यों ब्लॉग नहीं बना रहे। तो टेक्निकल इशू के कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा है, तो गाइस हो सके तो माफ़ करना। और मैं दो दिन पहले शूट करके रखा था वीडियो, जो कि बहुत बारिश हो रहा था, तो मैं रूम पे ही थोड़ा शूट किया हूँ और उसके कारण थोड़ा इशू आ गया था। तो गाइस इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा है, मतलब नहीं छोड़ पा रहा था। तो गाइस रूम में सभी लोग रहते हैं, मतलब कि दोस्त लोग और बहुत कोई कोई रहते हैं, उनको वो लोग क्या पहनते क्या नहीं, मतलब क्या क्या करते हैं, तो वीडियो में आ जाता है। तो गाइस इसलिए प्रॉब्लम होता है थोड़ा। तो बारिश भी हो रहा था उस टाइम, अभी थोड़ा सूरज का मुंह थोड़ा थोड़ा झलक दिख रहा है। तो मैं पहले वाले थोड़ा सा क्लिप शूट किया था दो तीन, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पहले शूट किए थे वो उसको दिखाने वाले हैं। और देखिए, अगर गलती हुई है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, तो माफ़ करना। मेरा दोस्त लोग को भी बोल रहा हूँ, मेरा काम ही यही है ब्लॉग बनाना। तो भाई ब्लॉग नहीं बनाएगा तो भी प्रॉब्लम, बनाता है फिर भी प्रॉब्लम होता है, तो क्या कहे। तो गाइस देखते हैं और आगे क्या होता है। तो गाइस इस जगह के बारे में इतना पता नहीं है, तो कुछ गलतियां भी हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपसे विनती करते हैं। जो कुछ भी हुआ है और मिस्टेक भी हुआ है तो माफ़ करना, बार बार बोल रहे हैं। तो बहुत टेक्निकल इशू हो रहा है, मतलब तो अभी आ गए हैं बाहर और अभी जाने के अभी पैसा नहीं है, ऐसा हो गया है मेरा, मतलब मेरा हुआ है, बाकी का तो पता नहीं। तो गाइस अभी शुरू करते हैं बिना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्या होता है। 3 days later ऐसा है आपकी ज़िंदगी और हमारे ज़िंदगी तो झंड हो गई है, तो देखते रहिए। और तो गाइस हम 10 दिन के बाद हम एंट्री करने वाले हैं कंपनी पर, देखते हैं क्या होता है। तो उधर हमारे मोबाइल फ़ोन लेने का अलाउ नहीं है, तो हम कितने तक सफ़र करेंगे देखते हैं। तो देखते रहिए। और 10 दिन से लगातार बारिश हो रही है, यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दो दिन ही हम आने के, दो दिन है सूरज का मुंह देख सके, तो अभी तक बारिश हो रही है बाहर, देख सकते हो इधर सब बारिश, लोग देख सकते हो इतना सवेरे ही बस में वेटिंग कर रहे बस को। तो गाइस बस में इतना भीड़ होता है क्या मानो। तो गाइस देखते हैं क्या होता है भीड़, तो देखने के बाद ही समझ में आएगा आप लोगों को, मेरे बोलने का तरीका तो नहीं समझ में आएगा, तो देखने के बाद ही समझ में आएगा आपको। ये सब है, ये सब भी जाने वाला है ड्यूटी पर, सीट मिलता है या नहीं मिलता है देखते हैं। हर रोज ऐसे ही भीड़ होती है बस में, जगह ही नहीं मिलता है मतलब पैर देने की। दौड़ के जाना पड़ता है रे बस, हमें छुट्टी मिलती है। के लोग आ रहा है देख सकते हो, साला आज भी ड्रेस वेस नहीं मिला, आज भी जॉब नहीं मिला, किसी को काम नहीं मिला रे। अंकुर भाई आ रहे अभी, इधर बैठ गए हैं, देख सकते हो अंदर में आ गए हैं, देखा
अभी चलते हैं, स्टार्ट हो गया रे भाई। कंपनी है, लेटा है आशा। ये सारी कंपनियां हैं भाई भाई अभी के लिए। ये फर्स्ट गेट है, यहाँ पर चेकिंग चलता है एंट्री करने के टाइम पे। इधर फर्स्ट गेट है, फिर से पहुंच गए रूम में। हम पहुंच गए, पहुंच गए रूम रे बाबा रे बाबा। आज भी गाइस हमारे कुछ दाल नहीं गला कुछ काम नहीं बना, नहीं बना। सही चला गया हमारा मेहनत तो पानी हो गया। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो, हम एक बार में कभी सक्सेस नहीं हुए हैं और पता नहीं क्या होगा और आगे जाके। ओहो हो, इधर हाथ धो लेंगे, इधर बाथरूम है हमारे। तो बारिश यार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बारिश का मौसम ही है, खतरनाक मौसम है। कौन है, नहीं है कोई इधर में, तो अभी हम ही है। पर हाथ धो लेना चाहिए, रात को बूद आता है बहुत डर लगता है, बूद आता है इधर, भूत भी रहता है, बहुत बंगला है ना इसलिए। A few moments later, तो गाइस मिल गया हमारे ड्रेस कंपनी का, देख सकते हो। दो तीन दिन कंप्लेन करने के बाद आखिर में मिल ही गया। तो कैसा लगा हमारे ड्रेस, देख सकते हो ऐसा जंगमंगो। तो कैसा लगा कमेंट कीजिए हमारी ड्रेस। अभी हमें दिन रात मेहनत करने पड़ेगा तभी जाके हम सक्सेस होंगे। बेटो कैसा लगा हमारे मजाक, भूटिया जैसा लग रहा है रे, मस्त लगा हमारा ड्रेस, भूटिया ड्रेस मेरे को तो बहुत पसंद आया रे। ये ड्रेस मेरा अलग है, ये दोस्त का है, मेरा ड्रेस अलग है थोड़ा। तो गाइस कैसा लगा हमारी कंपनी का ड्रेस कमेंट कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो, और नहीं लगा तो फिर भी बताइएगा कैसा लगा। तो गाइस हमारे अभी नाइट शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट जाना पड़ेगा अभी, तो हम नाइट शिफ्ट के लिए चलेंगे। तो देखते रहे अंटा गाइस, हम अभी जाएंगे मछली का मुंडी खत्म करने। अरे खत्म ने टूटाने तोड़ने खत्म ही कर देते हैं। बोलो पीछे बोलो, अच्छा लगा यार तेरा। तो अभी जा रहे है 4 बजे मछली को मुंडी तोड़ने, अब चलो हमारा साथ। हाँ चलते रहो। देखो गुस्सा से देख रहा है, नहीं देख रहा है वो तो अभी उदास में है, क्या करेगा, कहाँ आके फंस गया ऐसा सोच रहा है। हम सभी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा है अभी तक, मैं सोच रहा हूँ कहाँ मुंडी मिलेगा मछली का ज्यादा। तो गाइस देख सकते हो हम नाइट शिफ्ट के लिए आए थे, अभी जाने वाले हैं रूम पे, उधर बस वेट कर रहे हैं हम लोगों को। अंदर और भी है लोग, तो सब लोग आने के बाद हम चलेंगे आगे। तो
चलिए चलते हैं। 6.5 hours later एक टेम्पल है, टेम्पल मंदिर। तो गाइस अभी हम टेम्पल के अंदर जाने वाले हैं। अभी अब तो देख चुके टेम्पल इधर, हम अंदर जाएंगे, टेम्पल कैसा है देखेंगे। अभी धूप निकला है तो देखेंगे भाई क्या होता है। 2 मिनट का रास्ता है इधर से, ये गेट मेन गेट है इधर। ऐसा लग रहा है अभी हम मैना पोखरी जा रहे हैं, मैना पोखरी में जा रहा है हमारे रास्ता है, पल दिख रहा है। देखो कैसा नजारा, आई है देख सकते हो। धान का खेती है, धान का खेती है। ये टेम्पल शिव का मंदिर, यहाँ पर हाथ पैर धो सकते हो ना, धो सकते हैं। तो गाइस तो अभी गाइस ये टेम्पल तो बंद है, ताला लगा हुआ है। देख सकते हो बहुत अच्छा नज़ारा है ये, फिर भी आए हैं यहाँ घूमने के लिए। और इधर से सीढ़ियाँ है देख सकते हो, फिशारी के तरफ जाने की। थोड़ा नीचे चलते हैं, उनका मायना नहीं गया है ना, उधर नीचे जाने वाले हैं अभी। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ टेम्पल का साथ, मैं भी आना चाहता हूँ यार। हम सभी आ रहे हैं भाई, सेल्फी मारो। ये है साउथ इंडिया का मंगलोर का टेम्पल, छोटा सा टेम्पल, ये बहुत बड़ा है। जा रहे नीचे ये ना भाई, वो हमारी फोटो ले रहा है इधर में। हाँ कटा घुस गया रे, मोइना पोखरी का जैसा है। हाँ यही तो ताल खाओ जी, देता बोल चलो जा, यही ताते चली भी जा। अभी मैं जाने वाला रे, आ आ आ जा आ जा आ जा, तेरे गली में आ गए हम, चलो 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 चलो, वाह सुनील भाई चलो, वाह स्वागत है हमारे टेम्पल। क्या शानदार है ये नजारा, तो गाइस ऐसा नज़ारा इधर। ये टाइल्स सब पत्थर है, ये देख सकते हो। ये देखो नज़ारा कैसा लगा, ये नज़ारा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा तो। तो गाइस बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आके ये टेम्पल में, तो बहुत पसंद है ये तो टेम्पल मेरे को। तो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोग देख सके ये टेम्पल। तो गाइस चलते हैं और